विधानसभा का तीसरा सत्र आज से शुरू होगा। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, जो सदन में वरिष्ठ विधायक हैं, विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में काम करेंगे। इस संबंध में राज्यपाल तमलसाई सुंदर राजन ने राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई। इसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। राजभवन में अकबरुद्दीन ओवैसी के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, डिप्टी सीएम मालू भट्टी विक्रमार्का, मंत्री श्रीधर बाबू, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर, तमला नागेश्वर राव और विधायक हरीश राव शामिल हुए। मैं अकबरुद्दीन ओवैसी, जिसे कानून साज असेंबली का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूं कि मैं कानून की रोह से राइज दस्तूर हिंद का वफादार और फरमाबरदार रहूंगा, हिंदुस्तान के इख्तदार आला और इसकी सालिमियत को बरकरार रखूंगा और इस फर्ज मनसबी को मुझे तफवीज किया जाने वाला है पूरी दियानतदारी से अंजाम दूंगा। मैं अकबरुद्दीन ओवैसी, रुकने तेलंगाना कानून साज असेंबली, अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूं कि मैं ऐवान के कवायद का पाबंद रहूंगा, इन पर अमल करूंगा और आदाब मजलिस को मलहूज रखते हुए ऐवान की रिवायात का एहतराम करूंगा। गलती से वापस